गोल्डी वीर जी ने मैं इन्ना जलील किया एस एच ओ गोल्डी वीर की बस्ती थाना तो एस आई जसविंदर सिंह ने मैं अपने परिवार को सनी अपने अग लगा कबूलियत की है कि असीं दा समान चोरी किया विजय दानव जी के सामने बह के लुधियाने के मीत प्रधान ने उन्होंने सामने बह के दोषी कबूले ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को दे चुका पर पुलिस ने हल तक मेरे से कोई कार्रवाई साड़ी कार्रवाई नहीं सुनी सानू उल्टा जलील करते हैं सानू गाला कढ़ते हैं गाला की रिकॉर्डिंग है मेरे को मैं तेल पा के इन्ना दुखी हो चुका पुलिस तो गोल्डी वीर जी ने मैं इन्ना जलील किया एस एच ओ गोल्डी वीर की बस्ती थाना तो एस आई जसविंदर सिंह ने साड़ी एक नहीं सुनी रोज़ एडी एडीसीपी वन को जाना एडीसीपी वन मैडम के रीडर साहब ने सानू इन्ना जलील किया दस नहीं सके असी हार के अज अपनी परिवार की सारे की मैं अपने परिवार को सनी अपने अग लगा असी दुखी हो चुके हैं असी मर असी की करिए साड़ी कोई सुनवाई नहीं बच्चा ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋ जे पुलिस साडी ना सुने सानू थाने जाने गाला करते ने असि कोई चोर असि चक्के आ मेनू एस एच गोल्डी वीर जी ने जलील किया अपने भाजी कोई गल नहीं मैं अग लाके मरना पा हार चुके मेरा नाम सतिंद्रपाल सिंह है जी मैं पिछले 15 साल तो काली सड़क पर मेरी दुकान है भाटिया ऑटो पार्ट्स के नाते मैं उन्होंने चला आ रहा करोना काल चल रहा है पिछले साल 22 मार्च में सारे ही दुकाना बंद हुई मेरी भी दुकान बंद हुई सी उस तो बाद जी सरकार के आदेश आए मैं जाता कभी कभी साफ सफाई कर लग जाता मैं कोई होर काम शुरू कर ली माड़ा मोटा मेरा उधर रुझान हो गया मैं अपनी दुकान पर 15 दिन बाद जाता साफ सफाई करके आ जाता मैं अखीरली बारी 28 जनवरी 2021 मैं दुकान पर गया मेरी दुकान बिल्कुल ठीक ठाक से मैं उत्थे जाके अपनी वीडियो भी बना के आया दुकान के समान की सब ठीक ठाक से उस तो बाद जी मैं 29 मार्च में मेरे भाई साहब का फोन आता कि रिंपल तू अपनी दुकान के उत्ते सतिंदर अपनी दुकान पर पेंट करा रहे हरे रंग का मैं कहा नहीं जी मैं नहीं करा रहा मैं जी उतों ही उन्होंने कहा भी नाल के गुआढ़ियों ने गल करा उस दिन होली सी उस दिन गुआढ़ी छुट्टी के नाल के सामने खोखे वाला से गल की वो कहता जी ये दुकान मैं किराए पर ले ली मैं कहा मेरी दुकान तू कदों किराए पर ले ली कहता जी मैं विक्की सोता तो प्रदीप सो बहुत को किराए पर ले ली मैं उस वे जी अपनी गड्डी चक्की मैं अपनी वाइफ को नाल लिया मैं आ रहा मैं रस्ते उन्होंने जेडे विक्की सोता तो प्रदीप बहुत मैं फोन करता रहा उन्होंने फोन नहीं चक्या उन्होंने फोन आपसी बिजी हो गए फिर जलंधर बाईपास को पहुंचा मैं उन्होंने फिर फोन किया मैं काके भाजी प्रदीप का ना काका मैं उन्होंने कहा काके भाजी मेरी दुकान नहीं किया कहता असी तो कुछ नहीं किया विक्की सोते ने खरीद ली मैं कहा मेरी दुकान का समान कहता तू बोलता किदा मेरे ना आके विक्की ने गल कर ला फिर जो भी होगा सार ली उस वे 29 मार्च में जाके मैं थाना बस्ती के एस आई जसविंदर सिंह जी को मैं अपनी कंप्लेट नोट कराई 30 तरीक न मेरे नाल एस आई जसविंदर सिंह जी तो ASI विजय कुमार जी मौके पर मेरे ना उत्थे गए मौके पर गए ने मौके पर मेरी दुकान के उत्ते थाना बस्ती योद्धेवाल जी मौके पर मेरी दुकान से चाबियां जड़ियाँ मैं मेन सेंटर लॉक के दूजे ताले तो उन्होंने तोड़ ले सेंटर लॉक
सारी चाबियां मैं SHO साहब नू लगा के मौके दिखाई है जिदी वीडियो मेरे को अवेलेबल है। SHO साहब पूरी मार्केट की गवाही दवाई कि वो कहते भी यह भाटिया साहब की दुकान है सतिंद्रपाल सिंह की, इन्हों के गवांढ़ी ने कुछ किया। उस तो बाद जी अभी थाने चल गए, थाने गए, थाने जाके साडे बयान किए, उन्होंने ऐसे ही साहब ने बयान लिखे सानू कहते भी इन्हों पर कार्रवाई करा। उस तो बाद पता नहीं जी दूजी पार्टी ने की कीती उन्होंने गलबात, साड़ी सुनवाई नहीं, अगले ने ACP साहब को गए। ACP साहब ने मौके पर मैंने कहा दोपहर के 4 बजे SHO गोल्डी वीर दी फोन करके कि मुंडा तुहाडे को आ रहा सतिंद्रपाल सिंह, उसकी बंदी कार्रवाई करो, दोषियों से परचा दर्ज करो, मौके पर मुंडे का कब्जा बहाल करो। मैं SHO साहब को गया बस्ती थाने अपने वड्डे भाई सिंह, उन्होंने मैंने उत्थे जाके भी जलील किया, कहिंदा असी की कर लिए, ACP तो कुछ भी कह दिंदा, असी तो असी कितना कर लिए। उस तो बाद जी मैं उन्होंने को रोज़ धक्के खा रहे आन जान। अगले दिन मैं मेरे वड्डे भाजी ने सत्कारयोग मनप्रीत सिंह बंटी जी, मैं उन्होंने विच पाया सीगा, उन्होंने मेरे नाल कार्रवाई करा रहे, उन्होंने उन्होंने विजय दानव जी ने कॉन्टैक्ट किया 1 तरीक नूं ही, 1 अप्रैल नूं ही कि तुसीं इदां करो बंटी भाजी साढ़े बंदे ने विक्की सोता रही तुसीं आ जाओ आपां बह के नहीं नबेड़ दिंदे। बंटी भाजी का मैनूं फोन आया कहिंदे वी सतिंदर इदां इदां फोन आया आपां ना कल उन्होंने को दुपहर 12 बजे का टाइम है, 12 बजे गए नहीं मिले, 4 बजे नहीं मिले, 8 बजे का रात का टाइम रख लिया 2 तरीक का। असीं उत्थे बैठे उत्थे दोषियों को मेरे को रिकॉर्डिंग है, विजय दानव जी ने अपने मूँह कबूल कराया उन्होंने कि तू भरा समान चोरी किया, वो कहता भी विजय दानव जी नबेड़नगे, तो विजय दानव जी कहते भरावा नबेड़िए तो असं जे तू मन लेना कि जो है समान वीडियो ने बनाई है उस सारी सच्ची है, तो वो जो समान पैसे तुम खुरद बुरद किया, कहता हाँ जी मैं मन लेंदा मेरे हरजाना ला दो, जो हरजाना है मेरे से साढ़े दोवे हरजाना ला दो, उन्होंने को 10 किन्ने का समान सी हटे तो पैसे ला ला जा मेरा सौदा खरीद ला, मेरी दुकान मेरी कार्रवाई होवे, दोषियों उत्ते परचा दर्ज होवे, मेरे से प्रैशर पाते हैं कि इन्हों का राजीनामा कर लो। मैं दोषियों का कोई राजीनामा नहीं करना, मैं अपने बच्चों को सारी उम्र मूँह नहीं दिखा सकांगा कि उन्होंने कहना कि अपना प्यो साडा प्यो की कर सके, अपनी दुकान नहीं बचा सकिया। मैं पुलिस देकर रोज़ दरखास्त करता धक्के खाना, मैं परसों चौथ SHO गोल्डी वीर दी को गया, मैं उसकी रिकॉर्डिंग तुहाडे सामने उन्हें पेश करना, स्पेयर पार्ट 3 व्हीलर का जी, मैं गोल्डी वीर जी के कोल गया उन्होंने कोल, हाँ जी दूजी पार्टी विक्की सोता तो प्रदीप कुमार बहुत दिया सोता अपना सर पुलिस पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस मैंने रोज़ बुला के लारे ला रही है, तो यह देखो मैंने उन्हों का बोलन का उन्हों का वतीरा मेरे नाल की सी SHO साहब का। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਲੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫਾ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਰੋਈ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ADCP 1 ਨੂੰ ਟਾਈਅਪ ਕੀਤਾ, ADCP 1 ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਬੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ SHO ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ADCP ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਲੀਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਜਲੀਲਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ